तो सबसे पहले पी लेते हैं एक कप चाय कड़क सा, तो बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रेसिपीज। तो ये बिहू स्पेशल पिठा, तो ये पिठा मैंने खुद बनाई थी, तो आप लोगों को तो टेस्ट करवा नहीं सकती, तो मैं ही टेस्ट करके बताती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज है 14th of January और आज है मकर संक्रांति एंड असम का ट्रेडिशनल स्पेशल माघ बिहू। तो इसी खुशी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा 2-3 बहुत ही स्पेशल सा रेसिपी, जो कि आप लोगों को शायद बहुत पसंद आएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा मछली और चिकन को ऐसे ही मैरिनेट कर लूँगी। आज घर में बनेगा होल चिकन, तो होल चिकन के लिए मुझे दो दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैं इसको पहले रेडी कर लेती हूँ, बाद में एक एक करके रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो ये मैं मसाला रेडी कर रही हूँ और दही, ये देखिए दही घर का मेरे जीजू का फार्म का बना हुआ दही है, इतना अच्छा है क्या बताऊँ आप लोगों को। तो ये दही से ही बनेगा इसका चिकन और फिश का रेसिपी। तो मुझे ढेर सारा प्याज भी चाहिए, तो इसे मैं थोड़ा सा सोते करके ठंड कर लूँगी और बाद में इसे अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। तो ये अच्छे से मैं थोड़ा सा सोते हो जाने के बाद इसको मैं ठंडा करके पेस्ट बनाऊँगी। तो ये लगभग होने ही वाला है, तो इसे मैं एक साइड में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो अभी मैं बाकी का मसाला जो जो चाहिए वो मैं एक एक करके रेडी कर लूँगी। दही में मिला रही हूँ मैं थोड़ा सा लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ही सरसों का तेल और एक पीस लेमन। तो इसे मैं अच्छे से मिला के बाद में चिकन के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो देखते रहिए। अदरक और लहसुन की पेस्ट बनाने के साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा कैस्यू भी ऐड की थी, ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इसे भी अच्छे से चिकन के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, अंदर तक मसाला को डालना पड़ेगा, तभी इसका अच्छा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे अंदर तक मैं ऐसे ही मैरिनेशन कर लूँगी। अभी फ्राई किए हुए अनियन को अच्छे से एक पेस्ट बना लूँगी मिक्सी में डाल के। अभी चिकन कुक होने के लिए रेडी है, तो मैं इसे बहुत इजी प्रोसेस में बनाऊँगी, प्रेशर में ही कुक कर लूँगी। तो ओवन या आग में इसे मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि उसमें बहुत काम ज़्यादा हो जाता है,
इसलिए मैं थोड़े ही समय में मेरे यहाँ सब कुछ काम निपटाना चाहती हूँ और थोड़ा सा एंजॉय भी करना है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं प्रेशर कुक कर लूँगी इसे। तो ये अनियन भी मुझे अभी पेस्ट करना है। वो प्रेशर से निकलने के बाद इसे मैं दूसरे एक पैन में मसाला के साथ फिर से फ्राई करूँगी और आप लोग देखते रहिए मेरी रेसिपी। तो ये अच्छा सा रोस्ट हो गया है। तो अभी इसे कुकर में जितना भी मसाला था ये थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से डालना होता है और ये अच्छे से रोस्ट होता जाएगा और मसाला को थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ेगा। तो ये लगभग हो ही चुका है और थोड़ी देर से मैं अच्छे से ढक्कन लगा के रख दूँगी ताकि इसका खुशबू बरकरार रहे और ठंडा भी ना हो पाए। तो ये हो गया अभी। तो आज का ये रेसिपी कैसा लगा बताने के लिए ज़रूर मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए ले लेती हूँ विदा। आप लोगों को भेजती हूँ ढेर सारा प्यार और मकर संक्रांति और भोगाली बिहू यानी कि माघ बिहू की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तब तक के लिए बाय बाय। तब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।